जय श्री राम। जय श्री राम। फिल्म हनुमान हाल ही में रिलीज हुई और भगवान हनुमान की भक्ति और अद्भुत शक्तियों से जुड़ी एक कहानी, और देखेंगे कि कैसे हनुमान जी का ये सिनेमाई अवतार दर्शकों का दिल जीत रहा है। एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत फिल्म हमें ले जाती है सीतापुर गांव, जहां रहता है अनिरुद्ध, एक साधारण सा लड़का लेकिन हनुमान का अनन्य भक्त। एक हादसे के बाद उसे मिल जाती हैं अलौकिक शक्तियाँ। वो पहाड़ उठा लेता है, हवा में उड़ सकता है, मानो हनुमान का अंश सा हो गया हो, लेकिन ये शक्तियाँ उसे अभिभूत कर देती हैं। इसी बीच वीरेंद्र सिंह नाम का ताकत का भूखा शख्स इन्हीं शक्तियों को हथियाने को बेताब है। यहीं से शुरू होता है अच्छाई और बुराई के बीच महायुद्ध। विजुअल इफेक्ट्स का जादू फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है, इसका शानदार विजुअल इफेक्ट्स। हनुमान जी के उड़ान भरने के दृश्य तो मानो आपको आकाश में ले उड़ते हैं। एक्शन सीक्वेंस भी रोमांच से भरपूर है, दिल धक धक कर देते हैं। हनुमान जी के वानर रूप को पर्दे पर उतारने का काम कमाल का किया गया है। दमदार अभिनय तेजा सज्जा ने अनिरुद्ध के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी मासूमियत और गुस्सा दोनों ही प्रभावशाली हैं। विनय राय ने भी वीरेंद्र के किरदार में जान फूंकी है। उनके लालच और क्रूरता से नफरत भी पैदा होती है। फिल्म में वरलक्ष्मी, शरद कुमार और प्रज्ञा मारतुंदर जैसे कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया है। कहानी का रोमांच, कहानी सीधी सादी जरूर है लेकिन रोमांचक मोड़ से भरपूर है। अनिरुद्ध की शक्तियों को पाने के संघर्ष और अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध को दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में हनुमान चालीसा और बजरंग बली के भजनों का प्रयोग भी मंत्रमुग्ध कर देता है। भक्ति का उजाला फिल्म भक्ति की भावना को भी खूबसूरती से जागृत करती है। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और उनका आदर्श दर्शकों को प्रेरित करता है। कुल मिलाकर हनुमान एक मनोरंजक फिल्म है जो शानदार विजुअल इफेक्ट्स, दमदार अभिनय और रोमांचक कहानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करती है। खासकर बच्चों और हनुमान जी के भक्तों को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो देखिए या न देखिए, अगर आप एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको हंसाए, रोमांचित करे और भक्ति की भावना जगाए, तो हनुमान आपको निराश नहीं करेगा। यह फिल्म आपको सिनेमाघरों से एक सुखद अनुभव के साथ बाहर निकालेगी। तो देर किस बात की, जय बजरंगबली।